मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भाजपा विधायक रामलल्लू वैश के बेटे विवेक वैश और उनके साथियों पर वन कर्मी को गोली मारने का आरोप लगा है। इस संबंध में पीड़ित वनकर्मी संजीव शुक्ला ने मोरवा थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने एमपी यूपी बॉर्डर के खनहना बैरियर पर कोयले का ट्रक रोका था, जिसे नाराज विधायक के बेटे और उनके साथियों ने उसे जमकर पीटा, फिर जान से मारने की नीयत से उस पर गोली भी चला दी, जिससे वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। वनकर्मी को अब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित वनकर्मी ने बताया कि चोरी का कोयला लेकर एक ट्रक एमपी यूपी के बॉर्डर खनहना पहुंचा। चेक पोस्ट पर तैनात वनकर्मियों ने ट्रक को चेकिंग के लिए रोक लिया। इस दौरान विधायक का बेटा विवेक अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और वनकर्मियों से लाठी डंडे के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद बंदूक से फायर भी किया। गनीमत यह रही कि बंदूक की गोली वनकर्मी के पैर को छूते हुए निकल गई। बताया जा रहा है कि घटना की मुख्य वजह वन विभाग के चेक पोस्ट से चोरी के कोयले लदे ट्रक को बिना जांच के निकलवाने का है। आरोप है कि मोरवा थाना क्षेत्र के एनसीएल की खदानों से कोयला की चोरी की जाती है, जिसे एमपी यूपी या फिर अन्य राज्यों में कोल मंडियों में बेचा जाता है। इसी ट्रक को चेक पोस्ट से निकलवाने को लेकर विवाद हुआ। वन चौकी के अंदर रिवाल्वर से की गई फायरिंग से भले ही किसी की मौत ना हुई हो, लेकिन चौकी के अंदर रिवाल्वर की गोली पड़ी हुई है। सवाल यही उठ रहा है कि जब पंचायत और नगर निगम चुनाव की आचार संहिता लगी है तो रिवॉल्वर कहां से आई। वन विभाग के गोरबी रेंज के एसडीओ जयत्र त्रिपाठी ने बताया कि चेक पोस्ट पर वन कर्मियों के साथ विधायक पुत्र और उसके साथियों ने मारपीट की है, फायरिंग भी की गई है। इस संबंध में मोरवा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। तो वहीं मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि वनकर्मियों की शिकायत पर पुलिस ने विवेक वैश समेत 5 आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।